नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें मेरे साथ। ईडी से पूछताछ में अनिल देशमुख ने स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब की तरफ से ही उन्हें एक सूची मिली थी, लेकिन वह अनौपचारिक थी और उस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं थे। इसी बीच मुंबई, ठाणे और दीवा के बीच पांचवी और छठी लाइन से संबंधित कार्यों के लिए मध्य रेलवे 4 फरवरी की मध्य रात्रि से 72 घंटे का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक लेने वाली है। तो बोगस पीएफ अकाउंट्स के जरिए ईपीएफ फ्रॉड से जुड़े केस में सीबीआई ने मुंबई में रेड डाली और 13,40,000 रुपए कैश बरामद किए। वहीं मुंबई में पेगासस मुद्दे पर बुधवार की दोपहर जमकर हंगामा हुआ। मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मुंबई स्थित मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उधर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने कहा है कि मोदी सरकार ने पहले देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाया था, जो बाद में महज जुमला निकला। बजट में भी धोखा और छलावा ही है। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ईडी के अधिकारियों को बताया कि राज्य मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने उन्हें एक लिस्ट दी थी, जिसमें उन अधिकारियों के नाम थे जिनका ट्रांसफर किया जाना था। उन्होंने कहा कि ये पूरी सूची अनाधिकारिक थी। अनिल देशमुख पिछले साल 2 नवंबर से न्यायिक हिरासत में है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। जब देशमुख का दूसरा बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो उनसे ट्रांसफर सूची के बारे में पूछा गया। देशमुख ने कंफर्म किया कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब की तरफ से ही एक सूची मिली थी, इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं दी गई। देशमुख ने बताया कि जो लिस्ट अनिल परब से मिली थी वह अनौपचारिक थी और इस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं थे। हो सकता है कि परब को ये सूची शिवसेना के विधायकों और पार्षदों से मिली हो, जो कि उन्होंने मेरे पास भेज दी। ईडी ने देशमुख से पूछा कि क्या उस अनाधिकारिक सूची को ही आधिकारिक बना दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि ये लिस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सौंप दी गई थी और कहा गया था कि नियमों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जाए। देशमुख ने ये भी दावा किया है कि SCS होम से कहा गया था कि इस बारे में पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड से भी चर्चा की जाए और अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। बता दें कि सचिन वाझे ने आरोप लगाया था कि 10 DCP का ट्रांसफर वापस लेने के लिए अनिल परब और देशमुख ने 20 करोड़ रुपए लिए थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ठाणे और दीवा के बीच पांचवी और छठी लाइन से संबंधित कार्यों के लिए मध्य रेलवे 4 फरवरी की मध्य रात्रि से 72 घंटे का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक लेने वाली है। इसके चलते 3 दिनों तक मध्य रेलवे की उपनगरीय और मेल एक्सप्रेस सेवाएं प्रभावित होगी। इस ब्लॉक अवधि के दौरान 350 से अधिक उपनगरीय लोकल सेवाएं रद्द रहेगी। यात्रियों की सुविधा और सहूलियत के लिए मध्य रेलवे कुछ स्पेशल लोकल सेवाएं भी चलाएगी, इसीलिए यात्रियों को गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए 3 दिनों तक तकलीफ उठानी पड़ेगी। मौजूदा पांचवी एवं छठवीं लाइन ठाणे और दीवा के बीच 4 फरवरी शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात 12 बजे से 7 फरवरी की मध्य रात्रि तक 72 घंटे का ब्लॉक रहेगा। मौजूदा अप फास्ट लाइन पर 5 फरवरी की मध्य रात्रि से 28 घंटे का ब्लॉक रहेगा। ब्लॉक के दौरान 4 फरवरी की रात 11:15 बजे से 6 फरवरी की सुबह 4 बजे तक कल्याण से छूटने वाली अप मेल एक्सप्रेस और अप फास्ट उपनगरीय ट्रेनों को कल्याण और मुलुंड के बीच अप स्लो लाइन पर डाइवर्ट किया जाएगा और ये ठाणे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसके अलावा 6 फरवरी से कलवा प्लेटफॉर्म नंबर 4 और नई टनल 1 के माध्यम से नई बिछाई गई अप फास्ट लाइन पर अप फास्ट ट्रेन चलेगी। इसी तरह और भी ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इसी तरह से रोहा से पनवेल वसई रोड की मेमू सेवाएं भी ब्लॉक के दौरान प्रभावित रहेगी। बोगस पीएफ अकाउंट्स के जरिए ईपीएफ फ्रॉड से जुड़े केस में सीबीआई ने बुधवार को मुंबई में रेड डाली और 13,40,000 रुपए कैश बरामद किए। मुंबई में कुल 4 जगह सीबीआई की रेड पड़ी। इनमें करीब 10 लाख रुपए सेक्शन सुपरवाइजर के यहाँ से और 3,40,000 रुपए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के यहाँ से बरामद किए गए। ईपीएफओ दिल्ली हेड ऑफिस की शिकायत पर कुछ समय पहले सीबीआई ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के साथ 3 असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के नाम प्रमुख थे। सभी आरोपी ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय कांदीवली में काम करते थे। आरोप है कि इन आरोपियों ने 712 बोगस पीएफ अकाउंट्स बनाए हैं और इन अकाउंट्स के जरिए करीब 19 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। सीबीआई के अनुसार आरोपियों ने अपनी अनूठी मोड्स ऑपरेंडी से बंद हो चुकी कंपनियों के कर्मचारियों के नाम से पीएफ अकाउंट्स बनाए थे। उसमें रकम ट्रांसफर करके ये बाद में खुद ही रकम निकाल लेते थे।
मामले की तहकीकात जारी है। सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें अनेक बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। भारत की राजनीति में कथित पेगासस जासूसी मामला एक बार फिर छा गया है। एक रिपोर्ट के दावे के मुताबिक भारत ने पेगासस को एक रक्षा सौदे के तहत साल 2017 में इसराइल से खरीदा था। हथियारों के $2 अरब के पैकेज में इसे लिया गया था। पिछले साल पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए कई देशों में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कॉल रिकॉर्ड करने की बात सामने आई थी। इसमें भारत का नाम भी शामिल था। इसके बाद इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड में है और लोग इस पर बात कर रहे हैं। इसी बीच मुंबई में पेगासस मुद्दे पर बुधवार की दोपहर जमकर हंगामा हुआ। मुंबई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मुंबई स्थित मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक प्रसाद लाड समेत अन्य बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आए। दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली। इस दौरान मुंबई पुलिस का भी कड़ा पहरा देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से इस मोर्चे को विधायक जिशांत सिद्दीकी लीड कर रहे थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूरे प्रदेश में इसकी आंच फैल सकती है, इसलिए घमासान तय है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश बजट पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने कहा है कि मोदी सरकार ने पहले देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाया था, जो बाद में महज जुमला निकला। अब ताजा बजट में सरकार ने 60 लाख नौकरियों का नया जुमला फेंका है। आज देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रोजगार दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, तो क्या 60 लाख नौकरियां आसमान से टपकेगी? सावंत ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का महत्व कम करने के लिए गुजरात और अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी को दोनों हाथ से दिए है। मुंबई से हटाकर गिफ्ट सिटी में ले जाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी इसमें शामिल है। अगर ये वित्तीय केंद्र मुंबई से हटाकर अहमदाबाद नहीं ले जाया गया होता तो ये सारे फायदे मुंबई को मिलते। लेकिन मोदी के इशारे पर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र मुंबई से गुजरात स्थानांतरित करने की गलती करके मुंबई और महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान किया है। ये महाराष्ट्र के साथ धोखा है। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि मोदी सरकार ने इस साल के बजट में आम आदमी को ठगा है। वह दोनों हाथों से लोगों की मेहनत की कमाई छीन रहा है। देश में आज कांग्रेस पार्टी की चर्चा खास है। निशाने पर 3 चेहरे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी और आनंद शर्मा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे नवजोत सिंह सिद्धू के सामने दोहरी परेशानी आई है। एक तरफ रोडरेज प्रकरण की सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन्हें उत्तराखंड के लिए जारी स्टार प्रचारक की सूची से बाहर कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब चौतरफा हमला जारी है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया था। अब बताया जा रहा है कि राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा नाराज है और वह पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच राजस्थान के एक डॉक्टर दंपति का तोता लापता हो गया है। पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया है तो तोते को ढूंढने के लिए डॉक्टर ने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। उधर मौसम के बदल रहे तेवर से फरवरी में ठंड का आलम बना हुआ है। इससे एक तरफ आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है तो दूसरी तरफ किसानों के सामने फसल नुकसान की परेशानी खड़ी हो गई है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती है। सिद्धू पर 34 साल पहले रोडरेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। ये मामला दिसंबर 1988 का है। सिद्धू पटियाला में कार से जाते समय बुजुर्ग गुरमान सिंह से भिड़ गए थे। गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा, जिसके बाद गुरमान सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसी बीच पंजाब कांग्रेस में सीएम पद उम्मीदवार के लिए जोर लगा रहे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में अब चन्नी का पलड़ा भारी होने लगा है। कांग्रेस की तरफ से मौजूदा सीएम चन्नी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रभावी नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। उनके इस बयान पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्पोक्स नेट प्राइस ने कहा कि मैं इसे पाकिस्तानियों और पीआरसी पर उनके संबंधों के बारे में बात करने के लिए छोड़ दूंगा। मैं निश्चित रूप से उन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा। तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है कि लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा वक्त में हमें गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान नहीं मिल सकता है। देशवासी जानते हैं कि हम कोरोना की नई लहर से जूझ रहे थे। देश में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति आने वाले थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण ही उन्होंने 27 जनवरी को वर्चुअल माध्यम के जरिए शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्या लोकसभा में राहुल गांधी ये बातें भूल गए थे? उन्होंने ये भी कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती कोई नई नहीं है। दोनों देशों के बीच 1970 के दशक से घनिष्ठ परमाणु सहयोग था। साल 2013 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू हुआ। राहुल को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या तब चीन और पाकिस्तान दूर थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बोलने का मौका सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वे गांधी परिवार से हैं। कांग्रेस में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा नाराज है और वह पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी नेता ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए 109 मिनट दिए गए थे। इसमें से करीब एक घंटे का वक्त विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ले लिया। इससे वे नाराज हो गए, हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि खड़गे को आधे घंटे के अंदर अपनी बात रखने के लिए कहा गया था, जबकि आनंद शर्मा को 25 मिनट में अपनी बात रखनी थी ताकि बाकी समय में कुछ और पार्टी सांसद अपनी बात रख सके। पर खड़गे करीब एक घंटे तक अभिभाषण पर बहस में बोलते रहे। खड़गे ने दावा किया कि राष्ट्रपति का ये अभिभाषण न तो कोई नीतिगत दस्तावेज है और न ही उसमें कोई दृष्टिकोण है, इसमें सरकार के केवल अपनी उपलब्धियों का ही बखान है। सूत्रों के अनुसार संसद में रणनीति तय करने के लिए हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि सदन के अंदर तय समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। याद रहे आनंद शर्मा पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में शामिल है। उन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी में सभी स्तर पर चुनाव कराने की मांग की थी। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने पर भी असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी को घेरा था। राजस्थान के सीकर शहर में पक्षी प्रेम का अनोखा मामला सामने आया है। शहर के बड़े हार्ट सर्जन डॉक्टर वीके जैन का तोता 3 दिन पहले लापता हो गया, तो पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया। तोते को ढूंढने के लिए डॉक्टर ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने अखबार के फ्रंट पेज पर मिसिंग का विज्ञापन छपवाया, शहर में पोस्टर पैम्पलेट बंटवाए, सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किए। इतना ही नहीं, तोता ढूंढकर लाने वाले के लिए भी इनाम की घोषणा की। डॉक्टर वीके जैन का कहना है कि कोई तोते को ढूंढकर हमें सूचना देता है तो मैं खुशी खुशी उसे 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ। परिवार के लोग और अस्पताल का स्टाफ दिन रात तोते को ढूंढ रहा है। उनकी पत्नी डॉक्टर अर्चना ने बताया कि अस्पताल के ऊपर ही उनका घर है। 3 दिन पहले टेरेस पर तोते को सेब खिला रहे थे, इसी दौरान वो उड़ गया और वापस नहीं लौटा। 3 दिन से तोते को ढूंढ रहे हैं, अभी तक तोते के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली है। डॉक्टर जैन के अनुसार 2 साल पहले अफ्रीकन ग्रे कलर के 2 तोतों का जोड़ा 80,000 में खरीद कर लाए थे। एक तोते का नाम कोको रखा था। 2 साल में कोको घर का सदस्य बन गया था। उसके चले जाने से घर सुना हो गया है। ये तोता दुर्लभ प्रजाति का है, 1,000 से ज्यादा शब्द बोलता है, सभी से बात करता था, कुछ पूछने पर जवाब भी देता था। उसके जाने से बेटा बहू और बेटी उदास हो गए हैं। पत्नी रोते हुए बस उसके आने का इंतजार कर रही है। कोको परिवार के साथ इतना घुल मिल गया था कि जब भी घर वाले खाना खाते थे तो वो भी उनके साथ ही बैठ जाता था। डॉक्टर जैन ने बताया कि उसे सिरिंज से जूस और दूध पिलाया जाता था। मौसम के बदल रहे तेवर से फरवरी में ठंड का आलम बना हुआ है। इससे एक तरफ आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है तो दूसरी तरफ किसानों के सामने फसल नुकसान की परेशानी खड़ी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिन की राहत के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड के जोर पकड़ने की आशंका है। दिल्ली NCR में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 48 घंटे तक ठंड जारी रहने की आशंका है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बर्फबारी होने का भी अनुमान है। इसके चलते भी उत्तरी राज्यों में सर्दी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के अलावा बिहार, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा के कारण सर्द हवाओं का जोर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर अचानक गलन बढ़ने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बुधवार को पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद मैदानी इलाकों में अचानक से रात के समय पारा गिर गया और सर्द हवाएं चलने लगी। रात में कोहरा बढ़ गया और विजिबिलिटी काफी कम हो गई। अगले 5 फरवरी तक सर्द हवाओं के साथ पश्चिमी और पूरब के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 3 फरवरी को पश्चिमी यूपी में बिजली की गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, भयंकर टकराव के अंदेशे जताए जा रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, तो एक रिपोर्ट में चीन की पोल खुल गई है। बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में जून 2020 में हुए भिड़ंत में 38 चीनी सैनिक मारे गए थे, जबकि चीन लगातार इसे झुठलाता रहा है। वही दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना महामारी खत्म नहीं होने वाली है। 57 देशों में ओमिक्रॉन का उपस्वरूप BA.2 फैल चुका है और ये खतरनाक होते जा रहा है। इसी बीच खगोलविदों ने पता लगाया है कि अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रही हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसा क्षुद्र ग्रह भी है जो उसी की कक्षा में रहकर चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉइड का नाम दिया है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के दौरे पर चीन पर है। चर्चा तेज है कि वह इस बहाने चीन से कर्ज मांगने जा रहे हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमियत्रो कुलेबा ने रूस के शांति की बहाली में भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत रूस की ओर से वर्तमान संकट को सुलझाने के लिए सैन्य तरीके से या अंदर से ही अस्थिर करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार्य मानता है। यूक्रेनी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत ने कूटनीतिक तरीके से ताजा हालात के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारत ने अभी सोमवार को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मुद्दे पर हुई वोटिंग से दूरी बनाए रखी थी। माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे पर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अगर भारत रूस के पक्ष में वोट देता तो इससे अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश नाराज हो सकते थे। वहीं अगर भारत यूक्रेन के समर्थन करता तो इससे रूस के साथ रिश्तों पर भी गंभीर असर पड़ सकता था। ऐसे में भारत ने बीच का रास्ता चुनते हुए मतदान से दूरी बनाई रखी। यूक्रेन और रूस के बीच इस समय युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। रूस ने अपनी सीमा पर 1,00,000 सैनिकों को भारी हथियारों के साथ तैनात किया हुआ है। वहीं यूक्रेन भी अमेरिका और बाकी नाटो देशों के हथियारों को रूसी सीमा पर भेज रहा है। यूक्रेन में भारतीय छात्रों के बारे में पूछे जाने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारतीय छात्रों के यूक्रेन के जीवन में योगदान की प्रशंसा करते हैं। मैं भारतीय छात्रों से कहना चाहता हूँ कि दुनिया में यूक्रेन की तुलना में और ज़्यादा जटिल और खतरनाक जगहें हैं। वे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में जून 2020 में चीन और भारत की सेनाओं के बीच हिंसक भिड़ंत हुई थी। इस हिंसक भिड़ंत के करीब 1.5 साल बाद एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन को गलवा घाटी में हुई हिंसक झड़प में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि घाटी में गलवा नदी पार करते समय कई चीनी सैनिक पानी में बह गए थे और डूब गए थे। इनकी संख्या चीन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक थी। तथ्यों को प्रभावित करने के लिए गलवा में हुई 2 अलग अलग झड़पों के तथ्यों और तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने गलवा संघर्ष में मारे गए सैनिकों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के लिए मरणोपरांत पदक की घोषणा की थी। इस जांच के लिए द क्लैक्सन ने स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया शोधकर्ताओं की एक टीम गठित की थी। इस टीम की रिपोर्ट में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या 38 बताई गई है। बता दें कि भारतीय सैनिकों ने मई 2022 में गलवा नदी की एक धारा पर पुल का निर्माण किया था। दूसरी ओर PLA अप्रैल से पारस्परिक रूप से तय बफर जोन में बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा था। 6 जून को 80 PLA सैनिक भारतीय पक्ष की ओर से बनाए गए पुल को तोड़ने आए। इसकी रक्षा के लिए 100 भारतीय सैनिक आगे आए थे। दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना महामारी खत्म नहीं होने वाली है। आने वाले समय में यह एक स्थानीय महामारी बन जाएगी और हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार निश्चित रूप से ओमिक्रॉन कोरोना का अंतिम वेरिएंट नहीं है। आने वाले समय में हमें और भी वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर साबित नहीं हो रही है। कई प्रयोगशालाओं में किए गए अध्ययनों में संकेत मिला है कि ये टीके ओमिक्रॉन के खिलाफ कुछ ही एंटीबॉडी बना पाते हैं।
इस बीच दुनिया के 57 देशों में ओमिक्रॉन का उग्र स्वरूप BA.2 फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया भर की सरकारों को संक्रमण के मामले में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सभी देशों को पाबंदियां हटाने से पहले इस पर गौर करना चाहिए कि यह वायरस निरंतर फैल रहा है और रूप भी बदल रहा है, इसलिए हमें इसकी चपेट में आने से बचने के उपाय लगातार करते रहना है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी जाहिर करने के साथ ही एक राहत की खबर भी दी है कि इस सब वेरिएंट के बहुत अधिक संक्रामक होने के प्रमाण नहीं है। आरंभिक रिपोर्ट में कहा गया था कि ओमिक्रॉन के मुकाबले BA.2 तीव्र संक्रामक है। अब WHO के वैज्ञानिक ने कहा कि इस बात के भी कोई संकेत नहीं मिले हैं कि BA.2 उपस्वरूप मूल ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीरता के मामले में किसी तरह अलग है। अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रही हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसा क्षुद्र ग्रह भी है जो उसी की कक्षा में रहकर चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉइड का नाम दिया है। दरअसल खगोलविदों ने साल 2020 में ही इसे खोज लिया था, लेकिन उस समय तक इसे एक अद्भुत वस्तु के रूप में देखा जा रहा था। अब उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यह एक अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉइड है जो कि अगले 4000 साल तक पृथ्वी के साथ चक्कर लगाता रहेगा। शोधकर्ताओं ने ट्रोजन को धरती के साथ चक्कर लगाने वाला दूसरा और सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड बताया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अब तक अंतरिक्ष में हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर अन्य ग्रहों के ट्रोजन एस्ट्रॉइड की खोज हुई थी। इसके पहले साल 2010 में भी एक ऑब्जेक्ट की खोज हुई थी जिसे 2010 में TK7 का नाम दिया गया था। हालांकि यह बहुत छोटा है, लेकिन पृथ्वी के साथ उसी की कक्षा में रहकर चक्कर लगाने वाला दूसरा और सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। संभावना है कि ऐसे कई अन्य एस्ट्रॉइड भी मौजूद है जो अभी हमारी नजरों से छिपे हैं। उनकी खोज के लिए हमें अपनी निगरानी पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमारे सोलर सिस्टम में अधिकतर एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा में एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते और ग्रह के साथ ही सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। वह दुनिया के कई देशों से मदद की गुहार लगा चुका है। इसी बीच प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने चीन के दौरे पर जा रहे हैं। यह बीते 2 साल में इमरान खान का पहला चीन दौरा है। हालांकि कुछ लोगों को उनके इस दौरे के उद्देश्य पर संदेह है। जानकारों का मानना है कि ओलंपिक के बहाने वह कर्ज मांगने चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि दरअसल इमरान खान चीन से $3 अरब का कर्ज लेना चाहते हैं। वह यह भी चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान में खासतौर से 6 क्षेत्रों में निवेश करे। जानकारी के अनुसार इसी हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपने चीन दौरे पर वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री खान के इस दौरे के मद्देनजर मीडिया से बातचीत में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच हमेशा से कायम रही रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी। इससे नए दौर में साझा भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीन पाकिस्तान समुदाय बनाने में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद चीन के साथ एकजुटता दिखाना है, क्योंकि कुछ देशों ने वहां हो रहे विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।